गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस मॉर्निंग का 5:15 हो रहा है और अभी सनराइज़ भी नहीं हुआ है, सो अभी 15-20 मिनट ऐसे एम वी टाइम पास करना पड़ेगा, इसके बाद सनराइज़ होगा। तो चलो तभी मिलेंगे, अभी थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही, थोड़ी थोड़ी नींद भी ले लेता हूँ। और यार कैप नहीं है तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कैप रहती तो बढ़िया रहता है। शराब कुछ तो जल्दी उड़ जाएंगे और फिर अपन लोगों की नींद खराब करेंगे। आनी तो वाले पार्क में आ गया हूँ। अभी ऑलमोस्ट 9:00 हो रहा है, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब करके, बट गाइस व्हाट इज दिस, आई वोक अप लाइक ऑन 5:00 एंड आई एम कमिंग टू द पार्क लाइक 9:00। इट्स अ गैप ऑफ 4 hours। व्हाट आई वाज डूइंग बिटवीन दीज आवर्स आई डोंट नो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेकिंग अप सो अर्ली If I'm waking up like on 5:00 and if I'm coming with a difference of 4 hours at 9:00. Now I again started feeling sleepy because it was a gap of 4 hours. What do you do now? I have to fix it. Literally. Yeah. So from tomorrow I will make some you can say some changes in my routine. Like, yeah, really guys, it is really to think like what I was doing in between those 4 hours, a very big time. Like students have half of their school, offices have half of their half time, like lunch time. And if I'm in some such courses, then it was like 4 courses, like for 1 hour. So I really need to think about this. 4 hours getting wasted. No man, this is not gonna work. I literally have to think about it and have to fix it from the very early morning. Like I have to make a timetable, like I have to set a timer, like I have to leave within at least 30 or 40 minutes by waking up. Yeah, then it's gonna work, otherwise now, because as I woke up on 5:00, then I was chilling out on my roof like for 1 hour. Then I came down, I made my tea, and that's it. Then I have to leave. Then that also should be like 7:00. Where the rest 2 hours, like from 7 to 9? And then we said like, oh Lord, the day is spent like anything, I don't know. Yeah. If same thing is happening to you, then think about it. Let me know too. So guys, थोड़ी देर acupressure पे चलते हैं. Let's go. अभी यहाँ पर आए हैं तो कुछ तो हेल्दी अपन कर ही लें, acupressure से तो फ़ायदा ही होना है, नुकसान तो होगा नहीं. तो चलो, let's have it. ऐसे भी एक्यूप्रेशर के बहुत सारे फायदे हैं. वो देखो सारे बच्चे गोलू को हाय करने आए. गोलू
गाइस एक्यूप्रेशर पे चलते चलते गुदगुदी सी हो रही है पैरों में, बट हमें नहीं मालूम किसके कितने सारे फ़ायदे होंगे अगर हम डेली 5 मिनट इस पे चलें तो। हमें नहीं पता कि कितने सारे फ़ायदे होंगे हमको उसके, बट मैंने ये भी सुना है कि एक्यूप्रेशर से ज़्यादा फ़ायदा बेयर फुट चलने में होता है, बिकॉज वो नेचुरल एक्यूप्रेशर होता है। सो ऐसा मैंने सुना है, बस होता भी होगा फ़ायदा फॉर श्योर। गाइस सुपर एक्टिव अंकल मिलता है मुझे। एक दिन हम सभी की लाइफ में ये डे आना ही आना है, कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो, हम स्टेज पे पहुंचना ही पहुंचना है। गाइस मैं तो पत्थर पे बैठूंगा। मेरे दोस्त लोग बिल्कुल सही बोलते हैं कि तू कभी कोई काम सीधी तरीके से कर ही नहीं सकता, लिटरली। मैं क्या करूँ, मैं बोर होने लगता हूँ। मैं अब जैसे मैं नॉर्मल बेंच पे बैठा हूँ तो मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे को पत्थर पे बैठ कर ही फील आएगा, तो मैं वहीं बैठूँगा। हम तो वहीं बैठेंगे। तीरी 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 तीरी। और ये बरगद के पेड़ का मिक्सचर भी है, तो हो सकता है इसके नीचे बैठ के मुझे निर्वाणा प्राप्त हो जाए। गाइस मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं एक बाइट तो आर्यन की लूँगा, एटलीस्ट ट्राई तो करूँगा। चलो और आर्यन चलते हैं वहाँ पे। एक्चुअली मैंने सुन लिया था कि उसका नाम आर्यन है। सब लेकिन आओ इधर आओ। गाइस आर्यन तो शर्मा रहा है, लेकिन आई थिंक शायद उसकी सिस्टर है। बोलो माझ्या ब्लॉग मध्ये ओके तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे। ओके थैंक यू क्या बोलते धन्यवाद ओके धन्यवाद। योर गुड नेम नंदा। ओके थैंक यू। लो गाइस मैं जब तक आर्यन की क्रिपिंग लेने गया जब तक मेरे बैग में डकैती हो गई। ये गिलहरी मेरे बैग में घुसी हुई थी, गिलहरी ने कर दी डकैती। इस व्लॉग का नाम रखेंगे। चलो गाइस अब यहाँ से देखते हैं कि दोबारा जाती है कि नहीं बैग में। टें 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 टें। किससे मिलने जा रही है? इससे, ये उसकी फ्रेंड है टिया मिया। अरे भाई ये तो मैरी गो राउंड खेल रही है। नहीं ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे की, जब वो भगा रहे थे एक दूसरे को वहाँ पे। गो 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 वेकेशन। और ये वाला पोजीशन, थैंक्स फॉर गिविंग दिस पोज, थैंक यू सो मच टिया। तो गाइस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा थोड़ा ज्ञान का जो प्रकाश है वो दिमाग में घुसा है, और वहीं से एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, एक सवाल अराइज हुआ है, एक सवाल उठा है, जो कि ज्ञान का प्रकाश मेरे बालों से होता हुआ। एक्चुअली ये मेरे एंटीना है, ये है ना, दुनिया का ज्ञान कैच करते रहते हैं इधर से उधर, इसीलिए ये स्पाइक हैं। सो और ये मेरी कैप मेरी रेगुलेटर है, तो ये मेरी एनर्जी जो इन बालों से निकलती रहती है उन सबको ये कैप रेगुलेट करती है एक जगह पे। तो वहीं से ये क्वेश्चन आया है कि जंगल का राजा हमेशा शेर ही क्यों होता है, क्यों दूसरा जानवर क्यों नहीं? किसने बोला कि जंगल का राजा शेर है? किसने बोला तुमको? लाइक कुछ इलेक्शन हुए थे क्या, या ऐसा कुछ एक वर्ल्ड फोरम की मीटिंग हुई थी जहाँ पे ये अनाउंस किया गया कि जंगल का राजा शेर है? क्यों है शेर? चूहा क्यों नहीं? गधा क्यों नहीं? कुत्ता क्यों नहीं? सियार क्यों नहीं? जंगल का राजा शेर ही क्यों जबरन में? मतलब कुछ भी सुनते रहे कहीं से भी लोगों से, हम लोग कुछ भी सुनते हैं और फिर कुछ भी मान लेते हैं, हमें भी लगता है कि जंगल का राजा शेर है, क्यों? किसने बोला? कहाँ लिखा हुआ है?
ऐसा क्यों माने हम कि जंगल का राजा शेर ही है, कोई दूसरा जानवर नहीं हो सकता? वाई पीपल थिंक आई एम वियर्डो बट सो मैं एक ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ कि जैसे कुछ भी हम लोग कुछ भी सुन लेते हैं और कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा कुछ कोई प्रूफ है कुछ भी है ही नहीं। जंगल का राजा शेर है, हम भी मानने लगे कि जंगल का राजा शेर ही है। लोमड़ी भी तो हो सकती है जंगल का राजा, कोई इलेक्शन थोड़ी ना हुए थे कि जंगल का राजा शेर ही बनेगा, या कोई वर्ल्ड फोरम में ऐसा कुछ अनाउंस किया था कि जंगल का राजा शेर ही होगा और जो शेर को जंगल का राजा नहीं मानेगा उसको जेल भेजा जाएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। तो फिर क्यों मानते हैं सब लोग कि जंगल का राजा शेर है? जबरन में हम लोगों को हिप्नोटाइज होने की आदत है, ऐसे ही कोई भी मूवी आ जाएगी तो हम लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, और ये सही है, यही सही है, यही सही है। जब तक अपनी आँखों से नहीं देखो, लाइव एग्जांपल नहीं देखो, कभी नहीं मानना चाहिए कुछ भी। इसीलिए मैं राइटर्स की बुक नहीं पढ़ता, बिकॉज फिर उनकी बुक्स पढ़ने लगो तो उनका फ्रेम अपनी आँखों पर चढ़ जाता है, फिर अपन उस हिसाब से देखने लगते हैं। अब वो राइटर तो कहीं हज़ारों किलोमीटर दूर कहीं वर्ल्ड के किसी कोने में बैठा है, उसका ज्योग्राफी अलग है, हमारा ज्योग्राफी अलग है, तो उसका एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस से कैसे काम आ सकता है? हाउ? तो जंगल का राजा मैं तो नहीं मानूंगा कि शेर है, और पता नहीं लोग क्यों मानते हैं, आई डोंट नो। ज़बरदस्ती से कहा जाता है कि जंगल का राजा शेर, वो बचपन की स्कूल की कहानियों में लिख दिया कि जंगल का राजा शेर है, तो हम लोग तो बड़े हो के बूढ़े हो के हम लोग तो दुनिया से चले भी जाते हैं तब भी हमें यही लगता है कि जंगल का राजा शेर ही है। मैं तो गिलहरी को मानूंगा जंगल का राजा आपसे, कि देखो जंगल की रानी आ गई, आज से शेर का जो था तख्ता वो पलट हो चुका है और अब जंगल की राजा नहीं, जंगल की रानी। वुमन एम्पावरमेंट, यस वुमन एम्पावरमेंट, जंगल की रानी गिलहरी, और इसके लिए हम लोग प्रदर्शन करेंगे, वुमन एम्पावरमेंट, महिला आयोग और ये सब लोग, कि है ना आप लोगों ने ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ने है ना जंगल का राजा भी शेर बना रखा है, अब जंगल का राजा नहीं होगा, जंगल की रानी होगी, जंगल की रानी होगी गिलहरी, और वही रानी मानी जाएगी, जंगल का राजा नहीं माना जाएगा, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। हाँ चलो गाइस थोड़ा अपन गोलू से मिल लेते हैं। गोलू कहाँ गया, दिख क्यों नहीं गया? अच्छा वो रहा मेरे पीछे। गोलू गाइस आप लोगों को दिख रहा है क्या फ्रंट कैमरे में? हाँ वो रहा मेरे ठीक पीछे। गोलू गोलू, अरे जाना येड़े क्या रोज रोज दिमाग खराब करने आ जाता है, आए वो यही सोच रहा होगा, अरे जाना येड़े, वैसे ही दिमाग की हटेली पड़ेली है ना, यहाँ पे घूम घूम के कुछ समझ में मेरे को आता नहीं है, यहाँ क्या करने का क्या नहीं करने का। एक तो लोग खाली हाथ आ जाते हैं, ऊपर से कुछ खाने के लिए भी नहीं देते, हाँ अपन क्या करेगा यहाँ अकेला, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, दिमाग पकरेला है, ऊपर से तू और आ जाता है गोलू गोलू करने। क्यों मानूँ कि मेरा नाम गोलू है, बंटी रखूँगा अपना नाम, अब बोलो हाँ चल शाणा मानो निकल यहाँ से। ओके चलो गाइस, गोलू तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रहा है। सो चलो गाइस, वट वृक्ष के नीचे बैठ के बहुत सारी निर्वाण वाली बातें हो गई, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, अब जल्दी से घर चलते हैं, अगर कुकिंग वाली आंटी चली गई तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, जब खुद को खाना बनाना पड़ेगा तो चलो फटाफट लेट्स गो। चलो गाइस फटाफट चलते हैं फटाफट, बिकॉज लेट ही हो गए हैं ऑलमोस्ट। सो यस और धूप भी हो गई, 10 बजने वाला है, फटाफट चलते हैं, बस ये डिसाइड करना जाते जाते कि आज खाने में क्या बनवाना है। पालक बनवा लेते हैं। ओके इट्स फाइनली राइट नाउ आई एम एट होम, और इसी क्लिप के साथ इस ब्लॉग का करते हैं दी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अस्सलाम वालेकुम, आदि सुनो, चाओ चाओ। अब न्यू ब्लॉग इवनिंग में स्टार्ट करेंगे, तो बाय बाय।